AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूं तो अपने बयानों से हमेशा ही सुर्खियां बटोरते रहते हैं, लेकिन अब ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुसलमान मुक्त भारत चाहती है, वहीं आरएसएस दलित मुक्त भारत चाहती है। दलितों और मुसलमानों से अपील करते हुए ओवैसी ने कहा, मुसलमान और दलितों को अब जागना होगा, क्योंकि बीजेपी इस देश को मुसलमान मुक्त भारत बनाना चाहती है, वहीं आरएसएस दलित मुक्त भारत चाहती है। इतना ही नहीं बल्कि ओवैसी ने तीन तलाक पर रोकथाम के मकसद से लाए जा रहे एक नए कानून को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की भी आलोचना की है। औरंगाबाद में आम खास मैदान में 40,000 लोगों की मौजूदगी में ओवैसी ने तीन तलाक विरोध बिल का विरोध करते हुए कहा कि ये बिल मुसलमान महिलाओं के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ये समानता के अधिकार के खिलाफ भी है। ऐसे दुष्पूर्ण कानून की कोई जरूरत नहीं है।